नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। योनुचानः तनो महान् राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन से संस्कृत का काम के लिए संपूर्ण भारत का विभिन्न भागों में काम करता है। अभी जो 4 दिनों में युवा महोत्सव संपूर्ण भारत में 13 जगह पर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का परिसर है, कैंपस, उस परिसरों से जो अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली 500 से ज़्यादा बच्चे शैक्षिक सांस्कृतिक क्रीड़ा स्पर्धाओं में भाग लेते हैं। प्रतिवर्ष ये प्रतियोगिता अथवा यह युवा महोत्सव हर एक परिसर में चलता है और संस्कृत का प्रचार के साथ वयम राष्ट्रे जागृयामा, राष्ट्र का विकास के लिए प्राचीन ज्ञान और विज्ञान, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी विकास क्रीड़ा से शैक्षिक क्रियाकलापों से और नवनवीन वैज्ञानिक शोधों से, कारण वेद काल से शास्त्रों में, वेदों में, साहित्य में जो ज्ञान निहित है उसमें शोध करके हमारे जो प्रतिभा वाले छात्र आगे भारत का कीर्ति पताका प्रतिष्ठापित करें और परस्पर जो प्रयत्न से और सहयोग से दोनों आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का सम्मिलन से जो उत्तम काम करने के लिए ये युवा महोत्सव प्रेरित करता है। इसमें सभी भारत का और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मार्गदर्शन और सहयोग रहता है। हम इस कार्यक्रम में, युवा महोत्सव में प्रोत्साहन करने वाले सभी को और इसका प्रचार के लिए तत्पर माध्यम बंधुओं को भी इस संदर्भ में मैं धन्यवाद देता हूं। वर्तमान में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा अपने पाठ्यक्रमों में कुछ परिष्कार किया गया है और इसी दृष्टि को रख करके किया गया है। हमने पहले तो प्रयास यह किया है कि जो इनका मुख्य केंद्र है संस्कृत शिक्षा, उसे सरल रीति से और सुगम रीति से किया जाए। हमने बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं जो न केवल संस्कृत की औपचारिक शिक्षा में पढ़ने वालों के लोगों के लिए सफल होंगे, अपितु अगर जन सामान्य को रुचि रखनी है और जन सामान्य को संस्कृत में जो ज्ञान धारा है अगर उसको पाना है स्वयं, तो हमने ऐसे पाठ्यक्रमों का प्रारंभ किया है। हमने जिसे टीच योर सेल्फ करके स्वाध्याय के द्वारा स्वयं कोई पढ़ सके संस्कृत को, हमने कम से कम 5 स्तर पर उसे शुरू करने का प्रयास किया है, जिसमें 4 स्तर तक हमने जो पाठ्यक्रम है और पुस्तक लेखना उसे कर लिया है। और मैं ये सूचना कुलपति जी के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ कि ये कम से कम भी 7, 8 या 10 वर्षों से यह प्रक्रिया चल रही है पूरे भारतवर्ष में कि IITs में, IIMs में और इस तरह के और अन्य संस्थानों में संस्कृत के ऐसे केंद्र स्थापित किए गए हैं जहाँ पर जिनकी रुचि संस्कृत में उन क्षेत्रों में जाने की है जो उनसे संबद्ध हों,
चाहे वो अभियांत्रिकी के हों, चाहे वो प्रबंधन के हों, तो वे कम से कम मूल रूप से उन ग्रंथों का अध्ययन कर सकें, उन्हें अनुवाद पर आश्रित ना होना पड़े। इस प्रकार के सरल हमने पाठ्यक्रम बनाए हैं जो जिसमें इंग्लिश माध्यम भी है और जिसमें हिंदी माध्यम भी है और जिसे संस्कृत माध्यम से भी हम चलाते हैं। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।